ये लगाएंगे जी मिर्च, ये मिर्च है, लाल मिर्च, इसके ऊपर डालेंगे सिरका, ये मिर्च, ब्लैक पेपर, ठीक है, ब्लैक जनाब। आज हम मौजूद हैं गिलगित के बाजार में, गिलगित के जो मेन मार्केट है ना वहाँ मौजूद है, और ये मेरे साथ हमाद भाई मौजूद हैं, और ये इधर सैफ भाई और अब्दुल रहमान, और ये भी इधर मौजूद हैं। तो जनाब आज हमारा इरादा बना कि जो गिलगित की ये गिलगित का फूड ही है, एक ममतू है ना, हाँ ममतू, ये फूड है जनाब गिलगित का, बहुत मशहूर है इधर, बहुत ज़्यादा चलता है, तो हमने वो ऑर्डर किया, तो वो भी जब आएगा तो आप लोगों को दिखाते हैं। तो चले मैं कोशिश करता हूँ कि किचन में जहाँ वो तैयार हो रहा है ना वहाँ मैं जाके आपको दिखाऊँ। अभी तो ये जनाब बड़े बड़े देश के इधर लगे हुए हैं, ये देखें, ये ममतू है ना, ये ममतू, हाँ ये ममतू है जनाब। तो ये गिलगित का मतलब कि हमने फ़र्स्ट टाइम जब इधर विज़िट किया है तो हमने ये देखा है, फ़र्स्ट टाइम ये खा रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, तो ये इस तरीके के साथ तैयार हो रहा है। ये भाई कारीगर है, इनसे हम पूछते हैं कि ये किस तरीके के साथ तैयार हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई, ठीक है? अच्छा, अब आप उधर क्या रहेंगे? अच्छा, ये जो ममतो है ये किस तरीके के साथ बनता है, कि इसका इसके अंदर क्या चीज़ होती है? मैं फर्स्ट टाइम प्याज होता है, ग्रेंड क्या होता है, अच्छा अच्छा, कीमा होता है बीफ का, अच्छा, और मसाले लाल मिर्च, काली मिर्च, नमक वगैरह, नमक वगैरह, ठीक है। तो ये स्टीम पे तैयार होता है। अच्छा, ये जो पड़े हुए हैं देश के कढ़ाई टाइप पड़ा है, इसमें स्टीम है? जी, स्टीम, अच्छा, इसमें पानी डालते हैं नीचे, तो स्टीम पे तैयार होता है। तो ऑयल वगैरह का यूज़ नहीं होता इसमें, बिल्कुल यूज़ नहीं होता, जाली के ऊपर होता ताकि चिपके ना, अच्छा, थोड़ा सा नहीं होता, अदरवाइज नहीं होता। तो ये जनाब देखें, ये भाई जो है ये पीछे काम कर रहे हैं, मैंने आपको दिखा भी चुका हूँ कि ये भाई के बतौर भाई के ये जो है वो बाप इसके स्टीम के ऊपर तैयार होता है, जैसे कि हम पंजाब में जो है वो स्टीम वगैरह खाते हैं गोश्त वगैरह बना के, इसी तरह यहाँ का ये जो फूड है ममतू, ये इस तरीके के साथ जो है वो बन रहा है। ये कहाँ तैयार हो रहा है? ये तैयार किसी गोदाम में होता है। अच्छा, गोदाम में, और ये ऊपर जो है ये मैदा वगैरह, मैदे के साथ, मैदे का तैयार होता है। अच्छा, ठीक है, तो बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। तो अभी हम ऑर्डर हमने किया, हमें पहुंचा देंगे। तो ये जी हमाद भाई, और वो ऑर्डर आ भी गया भाई, इतनी जल्दी ऑर्डर आ गया, मैंने तो कहा शायद जैसे हम वो फास्ट फूड ऑर्डर करते हैं तो 15-20 मिनट लेता है, तो ये तो इसने मिनट नहीं लगाया। ये है जनाब ममतू, ये जस्ट ए मिनट, ठीक है, यार ये तो कच्चे नहीं लग रहे सर, ये स्टीम है ना इसलिए। अच्छा अच्छा, ये स्टीम होगा। तो भाई ये है ममतू, तो मैं खाने लगाऊं तो फिर आपको खाने किस तरह, ये तो बताया नहीं, किस तरह खाने, ये हमाद भाई जो है वो मुझे खा के बताएंगे कि किस तरह खाते हैं। ये लगाएंगे जी मिर्च, ये मिर्च है, लाल मिर्च, लाल मिर्च, अच्छा लाल मिर्च जो है वो इसके ऊपर हम मैश करें, सॉस बनी हुई है, अच्छा मिर्च, मिर्च का सॉस बनी हुई है, अच्छा, और ये लगी जी इसके ऊपर डालेंगे सिरका, ये सिरका है, ये सिरका है, ये जी सिरका भी डाला जा रहा है इसके ऊपर, और फिर नमक, हस्बे जायका नमक, या काली मिर्च, काली मिर्च, ब्लैक पेपर, ठीक है, ब्लैक पेपर, और केचप वगैरह ऐड नहीं करना, वो चेक करके ना। अच्छा, तो चलें जी, अब जो है वो हम बना टेस्ट करते हैं। यार यकीन कर रहे हैं, इतना मजे का है, ये ऊपर से देखने को ये लग रहा है जैसे कच्चा है मैदा ऊपर, बट ये स्टीम हुआ है, बहुत ही कमाल का टेस्ट है। अगर कभी गिलगित आए ना तो लाजमी ये ममतू जो है वो लाजमी आपने टेस्ट करना है। हमारे भाई का बहुत शुक्रिया कि इन्होंने जो है वो हमें ये शॉप विजिट करवाई, और ये मैम बहुत उमदा और वाला टेस्ट है, ठीक है, बहुत अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो जो है वो कमेंट लाजमी करना है, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, गिलगित के बेस्ट ममतू, गिलगित की जो मेन शॉप है ना जहाँ पे सबसे अच्छे ममतू तैयार होते हैं वो इस शॉप में, शॉप का नाम है राजा ममतू कार्नर, ये गिलगित बाजार में मौजूद है, ठीक है। तो आपने अगर मजीद एड्रेस पूछना है तो हमें जो है वो कमेंट वगैरह लाजमी कर दे, तो हम जरूर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे।